उसका भ्रष्टाचार का जो उसका तंत्र है पूरी पोल खुल चुकी। हमने वोट उसके आलू टमाटर के लिए तो दिया नहीं था। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से फिर से बनाएगी। मीटिंग कर रहा है ना, हमारा देश मजबूत बना रहा है। देखो जी कहा कह रहे हैं, ये तो मोदी के नाम पर वोट पड़ेगी असली तो। अच्छा, और दिल्ली की जनता को जो गुमराह किया जा रहा है, आगामी 25 मई को दिल्ली में होने वाले हैं लोकसभा चुनाव, जिसको लेकर सभी की नजर टिकी हुई है दिल्ली पर, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल को ग्रीन सिग्नल मिलते हुए उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है और कहा गया है कि चुनावी प्रचार प्रसार के लिए उन्हें जमानत मिली है। इसी को लेकर अभी मैं मौजूद उत्तर पूर्वी जिले के गोकलपुरी एक इलाके में, जिसका नाम है भागीरथी विहार। अभी मैं यहाँ पे बातचीत के लिए कुछ लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मैं वीरेंद्र पाल, मंडल चोरीपुर। अच्छा भाई, जब बात करें इस समय अरविंद केजरीवाल को जमानत पे छोड़ दिया गया, क्या लगता है कि दिल्ली की सातों सीट पे कोई असर पड़ने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है, उसका भ्रष्टाचार का जो उसका तंत्र है पूरी पोल खुल चुकी है, और दिल्ली की जनता को जो गुमराह किया जा रहा था उसका सारा चीज चिट्ठा उजागर हो गया है। केजरीवाल अपने आप में एक महाठग और जो महागठबंधन के रूप में आया है उसका कोई भी असर दिल्ली के चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से फिर से बनाएगी और ये वाली जो उत्तर पूर्व की मनोज तिवारी जी की सीट है 5 लाख से विजयी बनेगी। अच्छा, उनका कहना यह है कि मनोज तिवारी दस्ताज है पर क्षेत्र में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया, जनता कह रही है वो दिख नहीं रहा है, क्या भरोसे पे जनता उन्हें आगे लेके आएगी? नहीं दिखना है, जनता को थोड़ा सा गुमराह किया जा रहा है। जनता को वो गली गलियारों के जो काम एमसीडी के द्वारा या और जो विधायक के द्वारा जो है वो करने वाले काम को क्षेत्र को बताया जा रहा है कि ये काम विधायक, मगर सांसद की ये काम नहीं है। सांसद का काम आपने देखना है तो ट्रिपल लेयर आपने जो लाइन बनाए है, मेट्रो स्टेशन वगैरह बनाए हैं, आपने दिल्ली सहारनपुर हाईवे बनाए हैं, आप उन्हें जाकर देखा, उन्हें वो सांसद की कैटेगरी में आते हैं। मतलब जनता को कहीं ना कहीं भटकाया जाए, उन कामों से निचले कामों पे लाया जा रहा है ना। आने वाली 25 मई को वोट डालने वाले हैं। हाँ जी, क्या लगता है किसका बटन सबसे ज्यादा दबेगा, कौन है? बीजेपी का। आम आदमी पार्टी नहीं आएगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं। चलेगा जो भी दे समय के हिसाब से। क्या अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से कोई प्रभाव पड़ेगा जनता के बीच? देखो जी अब तो कह नहीं सकते ना। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है? फर्क पड़ेगा, बीजेपी आएगा। अच्छा बीजेपी। अच्छा, उत्तर पूर्वी से विपक्ष में बात गई इंडिया कन्हैया कुमार, कितना वोट पड़ने वाला है? ये तो नहीं हम नाम बता सकते, लेकिन बीजेपी फुल बहुमत से आएगी। अच्छा, फुल बहुमत से आएगी। हाँ बीजेपी आएगी। इस क्षेत्र में क्या हालत है कि इंडिया एलायंस की सरकार बनेगी या भाजपा की सरकार बनेगी? अब भैया जाके बनेगी, बाकी बन जाएगी, जहाँ सब ये रंग है हमारे यहाँ के। आप किसके ऊपर गिरेंगे? आप किसके गिरेंगे? अब जो हमारी गली में से खराब आके वापस ही गिरेंगे। आपकी गली से कौन सा ये खड़े हैं? ये तो सिर्फ एक नॉर्मल नेता है ना, क्षेत्रीय नेता। जैसे ये करेंगे वैसे हम करेंगे। आपका अपना मत क्या? आपका अपना मत क्या? अब देखो हम तो इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, तो हम मतलब जानकारी लें ज्यादा, इतने पढ़े लिखे ना है, बस वो है जैसे सब कर रहे हैं। अच्छा, मैं लहर कहीं ना कहीं थोड़ी सी भाजपा की दिख रही है, भाजपा की दिख रही है लहर। अच्छा भाई देखो, इतनी पता ना, अब वो जो जहाँ मैं कहीं काम कर रहे हैं उन्हें पता कौन सा सही रहेगा काम करने के लिए, सरकारी काम कर रहे हैं या प्राइवेट सही कर रहे हैं, ऐसा तो हमें पता नहीं है। जो जानकारी है जिन्हें वो उन्हें पता हो। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से रिहायत मिल चुकी है और जमानत पे बाहर है, क्या लगता है कि दिल्ली में असर पड़ने वाला है चुनाव? अभी पड़ेगा असर, क्यों ना पड़ेगा। अच्छा खूब पड़ेगा। अच्छा कौन जीतेगा? मोदी। मोदी? हाँ, सातों सीट भाजपा की है या किसी कोई और भी लेके जाएगा सातों में? भैया ये काट दो तो निकल ही जाए उसे बाहर। चलिए हम उत्तर पूर्वी सीट पर खड़े हैं, उत्तर पूर्वी सीट का क्या? यहाँ से तो मोदी है। मोदी है? हाँ। यहाँ पे तो लेकिन मनोज तिवारी है। हाँ मनोज तिवारी मान लो, कोई भी है जो भी यहाँ से खड़ा होगा वही है। चलिए बाबा एक सवाल रहेगा आपसे कि मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेंगे, कमल के नाम पे वोट पड़ेंगे या मनोज तिवारी के नाम पे वोट पड़ेंगे? देखो जी कहा कह रहे हैं, ये तो मोदी के नाम पे वोट पड़ेगी असली तो। अच्छा हाँ, अच्छा तिवारी जी के नाम पे नहीं? अजी तिवारी हम ना जाने भैया इन बातों में। अच्छा तिवारी को नहीं जानते लेकिन मनोज तिवारी के नाम पे तो वोट मोदी के नाम पे वोट देंगे? अच्छे नाम पे वोट जारी है इस बार। बस देखो सरकार तो भाजपा की है, चाहे तुम्हें कमल हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे ये हो तिवारी जी, बात एक ही है, देने वाला तो कभी चुकेगा नहीं। केजरीवाल तो बाहर आ गए हैं जमानत पे, क्या लगता नहीं है कोई असर पड़ेगा दिल्ली पे?
अब ये तो हम नहीं कह सकते इस मामले में, देने वाले को कहोगे भी हमसे कह देगा हाँ दे देंगे ना दे, वो तो उसकी मर्जी की मालिक है वो अपनी का। अच्छा, क्या लगता है युवा में किसी लहर दिखाई दे रही है, कौन आने वाले? बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि हमने वोट उसके आलू टमाटर के लिए तो दिया नहीं था, लेकिन जो बाहर जाके जो मोदी जो मीटिंग कर रहा है ना, वो हमारा देश मजबूत बना रहा है, तो इसलिए हमने उसको वोट दिया है। आप हाईवे देख लो, हम यहाँ से मेरठ जाते थे हमें 1.5 घंटा लगता था, लेकिन अगर अब आप जाओगे ना तो आपको 1/2 घंटा लगेगा मेरठ जाने में। तो हमें तो उससे फर्क है, हमें आलू टमाटर या पेट्रोल सस्ता नहीं चाहिए, हमें तो मोदी चाहिए बस। मोदी केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, उनका कहना है आदमी है। अच्छा, उसने बोला था कि मैं कुछ नहीं लेने का, लेकिन उसने सारी चीज ले ली, अपना महल बना लिया। उन्होंने एक बयान दिया अभी, अगर आपने सुना होगा, कि 15 दिन तक मेरी जो शुगर की दवाई थी उसे बंद कर दिया था। शुगर की दवाई? हाँ, ये तो देखो मैंने नहीं सुना, पर मुझे इतना पता है कि अभी ये जैसे भी बाहर निकला है ना, ये दोबारा अंदर जाएगा, फिर ये निकलेगा ही नहीं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, हमारी वोट बीजेपी को जाएगी। मतलब यहाँ पे इस तरीके से माहौल भी एकदम से बीजेपी को दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो बीजेपी की ताकत है। मतलब अच्छा, लोगों का ये भी कहना, असर तो पड़ेगा केजरीवाल जी के आने से, लेकिन इतना खासा असर देखने को नहीं मिलेगा जितना मोदी के नाम पे असर भाजपा का जो परचम है वो भारत में दिखाई दे रहा है। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है पूरे मुद्दे के ऊपर, खासकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जहाँ पे एक तरफ कन्हैया कुमार है, वही दूसरी ओर दावेदार में है मनोज तिवारी, या मनोज तिवारी के चेहरे पे वोट है, या जिस तरीके से लोगों ने बताया मोदी जी के नाम पे वोट है, अपनी राय जरूर साझा करें। तब तक के लिए बने पंजाब केसरी के साथ, कैमरा पर्सन विवेक के साथ, मैं संजीव, पंजाब केसरी, दिल्ली।